हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे इफ और नेस्टिंग इफ। इफ क्या होता है गाइस? जहाँ पे हम कंडीशंस लगाते हैं, यानी एक ही कंडीशन होता है ट्रू एंड फॉल्स, यानी सही होगा तो हमारा सही वाला आंसर देगा, फॉल्स होगा तो फॉल्स वाला आंसर देगा। नेस्टिंग इफ क्या होता है गाइस? जब एक से ज्यादा कंडीशंस होते हैं उसे हम नेस्टिंग इफ बोलते हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट इफ देखते हैं। जैसे इफ का एक कंडीशन है, जैसे अगर मार्क्स 50 हो तो पास, और मार्क्स 50 से नीचे तो फेल, यानी ट्रू होगा तो पास, फॉल्स होगा यानी गलत होगा तो हमें फेल करना है। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे मार्क्स लिखे हैं, कुछ कुछ 50 से ऊपर है, कुछ 50 से नीचे है। तो यहाँ पे देखिए, रिजल्ट में हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू इफ ब्रैकेट ऑन के अपने। अब देखिए लॉजिकल टेस्ट, हमें किनको लॉजिक टेस्ट देना है, इनको मार्क्स को देना है, तो हमने मार्क्स सेलेक्ट किया और फिर हम ग्रेटर देन लगाएंगे। अब यहाँ पे हम वैल्यू, अगर सही होगा तो हमें वैल्यू क्या देना है, 50। अगर इनका सेल का जो वैल्यू है 50, अगर देखो मैं ग्रेटर देन 50 लगाते हैं, यानी 50 को इंक्लूड नहीं करेगा, 50 से ऊपर वाले। अगर मैं यहाँ पे लगाती हूँ इक्वल टू 50, यानी 50 और 50 से ऊपर दोनों को लेगा। तो डिपेंड करता है कि 50 को इंक्लूड करना है या नहीं करना। अगर नहीं करना है तो ओनली ग्रेटर देन, और इंक्लूड करना है तो ग्रेटर देन इक्वल टू देन कॉमा। फिर आप शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड कॉमा यूज कीजिएगा, सिंगल सिंगल नहीं देंगे क्योंकि रॉन्ग मेथड है। तो आप शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड कॉमा देंगे और आप यहाँ पे लिखेंगे पास। ठीक है, ये ट्रू कंडीशन हो गया, यानी अगर सही होगा तो हमारा ये पास रिटर्न देगा, और गलत होगा तो कॉमा नेक्स्ट इन्वर्टेड कॉमा में हम डाल देते हैं फेल, देन क्लोज ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर। तो देखिए ये 50 है, 50 से ऊपर है तो पास हो गया, क्योंकि मैंने इक्वल टू लगा दिया। अब देखिए मैं इस पे जाती हूँ, यहाँ साइड से आप क्या करेंगे, ड्रैग कर देंगे जहां तक आपको चाहिए। तो देखिए सबका एक साथ निकल के आ गया, जिन जिनके 50 प्लस है उनका पास आ गया, जो 50 से ब्लू है उनका फेल शो कर रहे हैं। ठीक है गाइस, आप चाहे तो आप क्लिक के साथ भी कर सकते हैं, आप चाहे तो अपने शॉर्टकट की मदद से भी कर सकते हैं। आपने जैसे यहाँ फॉर्मूला लगाया उस पर जाएं और शिफ्ट के साथ अपने सेल को सिलेक्ट करें जहां तक फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद आप प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ डी प्रेस करें। क्या प्रेस करना है? कंट्रोल के साथ डी। ठीक है, तो देखिए सबका फॉर्मूला एक साथ ऑटोमेटिक पुट हो गया। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट जो हम आई थिंक आपको समझ में आया, अब नेक्स्ट हम करते हैं नेस्टिंग इफ। नेस्टिंग इफ क्या होता है? जब एक से ज्यादा कंडीशन हो, अभी तो एक कंडीशन है सही या गलत, जब एक से ज्यादा कंडीशन होते हैं तो हम उसे नेस्टिंग इफ बोलते हैं। जैसे सपोज मार्क्स में ये कंडीशन है हमारे पास, अगर मार्क्स 600 से ऊपर हो तो फर्स्ट, 450 से ऊपर हो तो सेकेंड, 350 से ऊपर हो तो थर्ड, 200 से ऊपर हो तो पास, अदरवाइज हमें क्या करना है, फेल करना है गाइस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ ब्रैकेट ऑन, हम इस एड्रेस को सिलेक्ट करते हैं यानी मार्क्स को, देन हम वे ग्रेटर देन, और वो भी अब डिपेंड करते हैं ग्रेटर देन लेना चाहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू लेना चाहते हैं, मैं ग्रेटर देन ही ले लूँ। ठीक है, देन कॉमा, देन इन्वर्टेड कॉमा, हमें क्या देना है, इनको फोर्स देना है, देन कॉमा। ये कंडीशन अगर सही हुआ तो ये दिखाएगा, अदरवाइज हम नेक्स्ट कंडीशन देते हैं, फिर कॉमा इफ, फिर ब्रैकेट ऑन करेंगे, फिर से हम इसका एड्रेस लेंगे या टाइप कर सकते हैं E21, देन ग्रेटर देन, जहां पे भी आपका एड्रेस हो आपको टाइप करेंगे, जरूरी नहीं कि आपके सेल में भी E21 ही आएगा। तो इक्वल टू, अब मेरे को सपोज इक्वल टू नहीं देना, अब मुझे क्या कंडीशन देना है, यहाँ पे गाइस क्या है, 450, तो मैंने यहाँ 450 दिया। ठीक है, देन कॉमा, जस्ट इन्वर्टेड कॉमा, अब नेक्स्ट मुझे क्या देना है, सेकेंड। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम अगेन इफ कंडीशन लगाते हैं, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, 350, तो हम यहाँ पे अगेन वही 821 लिखते हैं, ग्रेटर देन, आप कितना देना है मुझे, 350 वालों को मुझे क्या देना है, थर्ड देना है। ठीक है, मैंने थर्ड दे दिया, देन कॉमा, इफ ब्रैकेट ऑन, फिर से मैं उसका एड्रेस लूंगी यानी E21, देन ग्रेटर देन, अब मुझे 350 के अकॉर्डिंग क्या देना है, 200 देना है, मैंने 200 दे दिया, देन कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर हम क्या लगेंगे गाइस, पास। ठीक है, और अगर नहीं है तो हम यहाँ पे क्या लगेंगे, फेल। तो देखिए, अगर हमने इफ कितने बार, यानी ब्रैकेट हमने कितने बार वन किया है, 1, 2, 3 एंड 4, तो एक साथ ही हमें ये 4 टाइम क्लोज करना है। ठीक है, अब देखिए कंडीशन, अगर हमारे ये वैल्यू 600 सुपर होगा तो फोर्स दिखाएगा, अगर ये नहीं है तो नेक्स्ट कंडीशन पे स्किप कर देता है, यानी नेक्स्ट चेक करेगा, अगर ये 450 से ऊपर है तो ये सेकंड शो करता है, अगर ये भी फॉल्स हो गया यानी गलत है तो वो नेक्स्ट पे ट्रांसफर करता है, यानी नेक्स्ट कंडीशन चेक करते हैं, अगर ये है 350, अगर ये सही है तो थर्ड प्रिंट करेगा, अगर ये भी गलत है तो गाइस वो नेक्स्ट पे ट्रांसफर कर देगा, यानी फिर इसको चेक करेगा कि 200 सुपर है या नहीं, अगर होगा ये सही तो पास दिखाएगा, यहीं पे स्किप कर देगा, अगर सपोज ये भी
गलत है, यानी 200 भी मार्क्स नहीं है तो उससे बिलो होगा, तो हमारे ये लास्ट कंडीशन यानी ये ट्रू होगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि उसको कौन सा मार्क्स सही मिलता है, उसके अकॉर्डिंग वो कंडीशंस को रीड करता है, देन एंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या कंडीशन आता है, 600 दिया तो 600। ठीक है, तो ये हमारा 450 जो आ रहा है वो हमारा 600 नहीं है, तो ये हमारा थर्ड आया, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, ये कंडीशन सही हो रहा है क्योंकि 300 से ऊपर है और 450 से नीचे, क्योंकि मैंने इक्वल टू नहीं लगाया। ठीक है, अब सेम वही कंडीशन आप यूज करेंगे ड्रैग करके कंट्रोल डी, या आप यहां से ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, आप यहां से नॉर्मल ट्रैक कीजिए, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, क्लिक का साइन ट्रैक किया है आपने, तो देखिए सब कहा गया। जैसे अब ये 600 वाला ये कंडीशन ट्रू हो रहा है यहाँ पे, तो ये फर्स्ट आ गया, ये पास आ गया, और ये कंडीशन फॉल्स हो रहा है क्योंकि 200 से बिलो है, नीचे है, तो ये फेल हो गया। तो गाइज इसे ट्राई कीजिए, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, तब मुझे कमेंट में जरूर लिखें। और गाइज अभी तक आपने मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे कर दें। Thank you. Thanks for watching.